security position and take all measures, all possible measures to augment and strengthen security of our Chinese friends in Pakistan, because they are not Chinese. To me, they are Pakistanis, and there is no difference at all. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ का इस्लामाबाद में चीन के सफारतखाने का दौरा, चीन की नाज़िम-उल-उमूर से मुलाकात, अफसोस और ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर शी जिनपिंग के लिए खुसूसी ताज़ियती पैगाम तहरीर किया। शहबाज़ शरीफ का कराची वाक़े में चीनी बाशिंदों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। कहते हैं, आयरन ब्रदर्स पर वहशियाना हमले पर पूरी कौम गम में है, मुजरिमों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाएंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की चीनी सिफारतखाने आमद, चीनी कौंसल जनरल को यूनिवर्सिटी धमाके पर ब्रीफ किया। मुराद अली शाह का धमाके में चीनी बाशिंदों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी करा दी। कहते हैं, धमाके में मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कुछ साजिशी अनासर को पाकिस्तान और चीन की शराकत दारी पसंद नहीं, इस सोच के किरदारों से आहनी हाथों से निपटेंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, फायरिंग के तबादले में दो जवान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक शोहदा में 26 साला लांस नायक उमर अली खान का ताल्लुक बन्नू और सिपाही मोहम्मद सिराजुद्दीन का ताल्लुक DI खान से था। इलाके में दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म और बिल गेट्स में टेलीफोनिक राबता, पाकिस्तान में बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन के तआवुन से जारी प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। पोलियो के खात्मे, हिफाजती टीकों, गजाइयत और मालियाती शमूलियत की खिदमात की बेहतरी पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का नतीजा खेज शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा। बोले, BMGF की जानिब से फराहम अनमोल मदद को सराहते हैं, पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। मैंने कहा था, तुमने जितना उछलना है उछल लो। नवाज शरीफ लंबी रेस का घोड़ा है, तुम्हें ऐसी जगह मारेगा, तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ ने कहा था, बेटा बेटा इमरान खान, जाओ और जाके क्रिकेट खेलो, सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम जिस कंटेनर से उतरे थे, नवाज शरीफ ने 3.5 साल बाद तुम्हें उस कंटेनर पे वापस चढ़ा दिया। मुबारक हो, चोर की हुकूमत खत्म हुई, सियासत का सबसे बड़ा गीदर चला गया। कहा था, जितना उछलना है उछल लो, नवाज शरीफ लंबी रेस का घोड़ा है, भगा भगा कर मारेगा। इमरान खान जब मियां आएगा तो लग पता जाएगा। मरियम नवाज का लाहौर में अवामी राबता मुहिम से खिताब। बोली, इमरान खान का नाम तोशा खाना है। इमरान खान जिस कंटेनर से उतरे थे, नवाज शरीफ ने 3.5 साल बाद दोबारा उसी पर चढ़ा दिया। अवाम ने अपना मैंडेट वापस ले लिया। ओ भाई, गल सुन लो, ओ सारा पिंड बीमार हो जाए, इंशाल्लाह हमजा शहबाज शरीफ हमें तुक्के दिखाएगा। जब इसने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा और IMF के पास नहीं जाऊंगा, वो शुरुआत थी मईशत का जनाजा निकालने की। कि जब नवाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ी तो ग्रोथ रेट, मईशत का ग्रोथ रेट 5.8% था। पूरा पिंड भी बीमार हो जाए, वज़ीर-ए-आला पंजाब का हल्फ उठाकर रहूंगा। नौ मंतखब वज़ीर-ए-आला हमजा शहबाज का ऐलान। बोले, हम पुराने पाकिस्तान की तरफ लौट रहे हैं। इमरान खान की सियासत का जनाजा धूम से निकला है। इमरान खान खिलाड़ी नहीं, उसने अवाम के साथ खिलवाड़ किया, मईशत का जनाजा निकाल दिया, लाखों नौजवान बेरोजगार हो चुके। ये इमरान खान की साजिश थी। अवाम पूछ रहे हैं कि तोशा खाना में क्या किया। घड़ी बेच कर माल पानी बनाया गया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बतौर वजीर खारजा विफाकी काबीना में शामिल होंगे। बिलावल भुट्टो की तकरीब हल्फ बरदारी आज होगी। सदर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की जेरे सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुल्क भर से अराकीन मरकजी मजलिस आमला की शिरकत। इजलास में बिलावल भुट्टो की बतौर वजीर खारजा काबीना में शमूलियत और दौरे लंदन पर गौर। मुतअद्दिद रहनुमाओं की बिलावल भुट्टो की शमूलियत के फैसले की तायीद। सकते हैं कि ऑन द 9th of April 3rd 2022 इमरान खान एंड हिज को-कंस्पिरेटर्स वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अंडरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एबोग्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन द ओनली लेजिटिमेट मींस फॉर पीसफुल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर। हम समझते हैं इस कंस्पिरेसी में जो डेप्यूटी स्पीकर की कुर्सी पे बैठा था, जो सदर पाकिस्तान मौजूद है और जो साबिक वजीर आजम है, वो इस कंस्पिरेसी में मुलव्विस है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान की सियासत झूठ पर मबनी है। इमरान खान मुझे क्यों नहीं बचाया की मुहिम चला रहे हैं। इनकी साजिश नाकाम हो चुकी। गैर जमहूरी शख्स हम पर मुसल्लत किया गया था। अदम एतमाद के हथियार से गैर जमहूरी शख्स को घर भेजा। ये नहीं हो सकता कि आईन तोड़ा जाए और उसकी सजा ना हो। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मिलकर मुकम्मल करना है। इंतखाबी इस्लाहात जरूरी हैं। मैंने आप सबको कॉल देनी है इस्लामाबाद की। लेकिन उससे पहले गली गली मोहल्ले मोहल्ले निकलना है और लोगों को तैयार करना है। हमारी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है, आपने गली गली जाना है, मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव सारी कौम को तैयार करना है। पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन वक्त है। हकीकी आज़ादी की तहरीक है। कारकुनान को इस्लामाबाद के लिए कॉल दूंगा। गली गली जाकर लोगों को तैयार करना है। गैर मुल्की साजिश को नाकाम बनाना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ऐलान। बोले शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी करप्ट तरीन सियासतदान हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत कौम पर मुसल्लत की गई। सारी कौम मुनज़्ज़म होकर इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाए। हुकूमत जो है, अगर ये समझ रही है, अभी तो इमरान खान ने कॉल नहीं दी। दुनिया की ताकत, सारी पाकिस्तान के अदारे ताकत एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ इकट्ठे हो जाए, सारी एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हो जाए, सारी ओपोजिशन इकट्ठी हो जाए, इलेक्शन को अब नहीं रोका जा सकता। अब कोई नहीं रोक सकता। हमारी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, इन बेवकूफों की वजह से हो गई। अवाम इमरान खान के साथ है। बच्चे बच्चे को पता है कि इन जमातों को किसने इकट्ठा किया। मुल्क को खाना जंगी से बचाना है तो 30 मई से पहले इलेक्शन करा दें। हमारा किसी से झगड़ा नहीं, लेकिन चोरों को नहीं छोड़ेंगे। आपसे ऑपोजिशन सवाल करे जिस वक्त आप इन ओहदों पर मुसल्लत थे, ऑपोजिशन आपसे सवाल करे तो ऑपोजिशन को बंद कर दिया। पार्लियामान में सवाल हो तो पार्लियामान ऑर्डिनेंस पे चलाई और पार्लियामान को ताला लगा दिया। मीडिया आपसे सवाल करे तो मीडिया की पसलियां तोड़ी, अगवा किया, उनको गोलियां मारी, सेंसरशिप किया और इजहार राय पर पाबंदी, जिससे आ दौर 4 साल में लगी। पूछते हैं 2 हफ्ते में क्या हुआ। पाकिस्तान की आवाम मुंतजर है आपसे। जो सवाल पूछे उन्हें गाली और धमकी दी जाती है। इमरान साहब इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के सवालों का जवाब दें। इमरान साहब चाहते हैं कि सब उनके झूठ को मान लें और करप्शन का हिसाब ना लें। वजीर इत्तेलात मरियम औरंगज़ेब का तंज। बोली 4 साल किसी मुखालिफ के खिलाफ इल्ज़ाम साबित ना कर सको, लेकिन झूठ बोलते रहो, ऐसे शख्स को जहनी मरीज कहते हैं। इमरान साहब मर्जी का मैच अम्पायर और खिलाड़ी चाहते हैं।
आम इंतखाबात मई 2023 से पहले नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन ने इशारा दे दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सातवीं मर्दम शुमारी 1 अगस्त से होगी। मर्दम शुमारी और खाना शुमारी के नतज 31 दिसंबर 2022 को मुहैया किए जाएंगे। आइन के तहत पाबंद होंगे कि 1 जनवरी से नई हल्का बंदियाँ शुरू करें, जिसके लिए 4 महीने का अरसा दरकार है। 3 अगस्त 2022 को हतमी हल्का बंदियाँ शाया की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक जायजा इजलास, बिजली के ऐलानिया और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग पर गौर। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को बिजली की पैदावार, तरसील और खपत पर ब्रीफिंग दी गई। लोड शेडिंग के सदेबाब के लिए जामे हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में शाहिद काकान अब्बासी, मुसद्दिक मलिक समेत दीगर शिरकत कर रहे थे। सिंध हाउस हमला केस में पीटीआई के अराकीन कौमी असम्बली की जमानत मंसूख। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अताउल्ला और फहीम खान की जमानत मुस्तरद कर दी। जमानत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मुस्तरद की। पुलिस ने दोनों अराकीन कौमी असम्बली को कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के लिए चौथी मरतबा नया 2 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दे दिया। नया 2 रुकनी बेंच बुध को मरियम नवाज की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस फारूक हैदर की माजरत के बाद 2 रुकनी बेंच तहलील हो गया था। कराची से लापता दुआ जहरा गुमशुदगी केस का ड्रॉप सीन, पसंद की शादी कर ली। वीडियो पैगाम मंजर आम पर आ गया। कहती है अपनी मर्जी से शादी की है, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की। मैं अपने घर में खाविंद के साथ बहुत खुश हूँ, खुदारा मुझे तंग ना किया जाए। कराची से लापता होने वाली दुआ जहरा सख्त सिक्योरिटी में मॉडल टाउन लाहौर कचहरी में पेश। बयान रिकॉर्ड किया गया। दुआ जहरा और उसके खाविंद को पुलिस ने हवेली लखा से अपनी तहरीर में लिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन और विफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शुजात अली खान ने मुनीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। आईन पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देता है। आईन इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। अदालत के रिमार्क्स। ईद उल फितर पर 4 सरकारी छुट्टियां देने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। ईद उल फितर के पेश नज़र 2 मई से 5 मई तक तातील का फैसला किया गया। 1 मई इतवार को मिलाकर ईद उल फितर पर कुल 5 छुट्टियां हो जाएंगी। और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया। एलन मस्क और माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर में 44 अरब डॉलर में मुआहदा हुआ। एलन मस्क ट्विटर की खरीदारी के लिए 54.20 डॉलर फी शेयर नकद रकम अदा करेंगे। मुआहदे के बाद एलन मस्क ट्विटर के वाहिद शेयर होल्डर्स बन गए। एलन मस्क ट्वीट में कहते हैं, ट्विटर डिजिटल प्लेटफॉर्म और मुस्तकबिल के अहम मामलों पर बहस की जाती है।